हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर नवीन और एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको करवा रहे हैं कॉमर्स के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बोरोड फंड के पहले सोर्स के बारे में जो था ट्रेड क्रेडिट। वहां हमने देखा कि ट्रेड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी ट्रेड क्रेडिट सोर्स के कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स के बारे में कि क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो कंडीशन आपके पास है, मैं ट्रेड क्रेडिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। एक ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सप्लायर मैन्युफैक्चरर को कुछ समय के लिए उधार दे देता है। तो आपको पता करना है कि इसकी मेरिट, इसके फायदे और डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स क्या हो सकती हैं। पहली मेरिट हमारे सामने है रीडली अवेलेबल। आप सभी को पता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर काम करता है तो उसका कई सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट रहता है। जगह अगर आपका सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहे या अच्छे टाइम से आप दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो सप्लायर आपको कभी भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए उधारी दे देता है। तो ट्रेड क्रेडिट से पैसा लेना बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आपको आसानी से पैसा मिल जाता है। किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता, तो रीडिली अवेलेबल और आसानी से आपको मिलने वाला। जी हाँ, अगर ये रीडिली अवेलेबल है, आसानी से मिलने वाला है, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल भी है। इसमें कोई रिजिड रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, किसी तरह की टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल आसानी से मिलने वाला और बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से मिल जाने वाला लोन है, तो इसके लिए आपको बहुत ही कम एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मेरिट की, जो है नो फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, शेयर कंपनी से लेते हैं या किसी और अदर रिसोर्स से लेते हैं, डिबेंचर से लेते हैं, तो इनको लेने के लिए आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लगानी पड़ती है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक लोन को लेने के लिए उस पर लगने वाला खर्चा, आपकी क्रेडिट फाइल बनेगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी वेरीफाई किया जाएगा, तो ये जो समय लगता है और उसमें जो पैसा लगता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट में लिया जाता है। तो ऐसे ट्रेड क्रेडिट से जो हम पैसा लेते हैं, एटलीस्ट हम पैसा भी नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ कुछ समय के लिए उससे मोहलत ले रहे हैं कि हम कुछ समय बाद उसका पैसा चुका देंगे, तो इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है। इसलिए ये जो सोर्स ऑफ फंड है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और इसकी ये मेरिट है। अगर मैरिड है तो आपको भी पता है कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे इसके। तो ड्रॉबैक्स की बात करें तो हमारे पास दो ही ड्रॉबैक्स हैं इसके, और दो ड्रॉबैक क्या हैं वो क्लियर करते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन प्राइस। ये बात तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ भी ली होगी कि अगर मान लीजिए आज मैं सप्लायर हूं और आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैं आपको कोई सामान 6 महीने की छूट पर उधार दे रहा हूं, तो मैं ऑब्वियस बात है कि मैं वो 5 रुपए की चीज आपसे 7 रुपए की बेचूंगा। मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा रुपए जोड़ के दूंगा क्योंकि मैं 6 महीने के लिए आपको उधारी दे रहा हूं, तो 6 महीने मेरा तो कुछ बेनिफिट होगा। तो इंक्रीज इन प्राइस का यहां पर मतलब यह है कि उधार देने की वजह से रॉ मटेरियल के जो प्राइस हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब सप्लायर मैन्युफैक्चरर को वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल की, तो रेट 2 रुपए 10 रुपए 10% जितना भी वो चाहे वो बढ़ाकर देता है, और मैन्युफैक्चरर भी इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं किसी और से रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो मुझे करंटली पेमेंट अभी कैश देना पड़ेगा, अभी देनी पड़ेगी। अगर मैं इन्हीं इस सप्लायर से खरीदूंगा तो 6 महीने बाद देनी पड़ेगी, चलो 2 रुपए लगते हैं एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसका डिमेरिट है कि रेट प्राइस बढ़ जाते हैं। अब आपको भी पता है अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो फिनिश गुड के प्राइस ऑब्वियसली बढ़ाएगा क्योंकि उसने तो खर्चा यहीं से निकालना है, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट को महंगा कर सकता है। सेकंड हमारा है लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई। यदि मैन्युफैक्चरर पेमेंट नहीं देगा तो लीगल एक्शन हो सकता है। अगर सप्लायर को मैन्युफैक्चरर ने पेमेंट नहीं दी, उस 3 to 6 मंथ का आपके पास टाइम था, आपने 6 के बाद भी टाइम पेमेंट नहीं दे रहे हो, 7वां 8वां महीना आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लायर है वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, कोर्ट में आपके ऊपर केस कर सकता है। तो इसके कई रूल्स रेगुलेशंस और आगे आप इस चीज में मुकदमों में फंस सकते हैं। तो ओवरऑल हमने डिस्कशन कर लिया कि इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ओवरऑल एक अच्छा सोर्स है शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बोरोड फंड का एक नया सोर्स ऑफ फंड लेकर मैं आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे हमारे पब्लिक डिपॉजिट या जनता से निवेश के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है, तो लाइक और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।